Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson में आपको polar array के बारे में बताऊंगा। पिछले lesson में हमने देखा था rectangular array, जिसमें हम basically काम कर रहे थे row and column के अंदर। लेकिन dear students, इस लेसन में जो हमें काम करना होगा वो पोलर के ऊपर यानी कि 0 to 360 के एंगल के अंदर रहकर काम करना है। ये जो पोलर एंगल है बेसिकली मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए बहुत ज्यादा यूज आता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटोकैड के ऊपर डबल क्लिक कर दें, ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। देखिए ये आपका ऑटोकैड ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम हमेशा की तरह यूएन एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके क्लोज कर दें। देन आप वापस चले जाएं डायमेंशन के अंदर, डी एंटर कर दें और इसको भी आप इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके क्लोज कर दें। व्यू के अंदर चले जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन पर क्लिक कर दें आप। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको हमेशा सेटिंग करनी होती है स्टार्ट में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का जो हमारा एरे है, एरे की शॉर्टकट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ए आर एंटर करने से आपके पास एरे एंटर हो जाता है। तो मैंने ए आर एंटर कर दिया, या आप मॉडिफाइड टूल बार में देखें या आपके पास एरे है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपका एरे ओपन हो जाएगा। इसमें जो चीज आज हमने करनी है वो क्या है, पोलर एरे। तो जैसे ही पोलर एरे के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक बॉक्स नजर आ रहा है। इसके अंदर आपके पास प्लस है, ये आपका बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि जो पोलर एरे है वो किसी न किसी सेंटर पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आप उसे सेंटर पॉइंट देंगे उसके ऊपर वो आपको किसी भी चीज को घुमा कर दे देगा। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 ये आपके पास मौजूदा जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट 4 आइटम होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को 6 कर देता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स होता है, तो जैसे मैं उसको 6 कर दिया, देखिए आपके पास अब क्या होगा, 3 और 3, 6 आपके पास आ चुके हैं। देन आपके पास ये टोटल आपका एंगल होता है, फिल एंगल आपका क्या हो रहा है, अगर इसको मैं 180 कर देता हूँ तो देखिएगा अब ये आपके पास 180 के अंदर रहकर काम करेंगे। तो अब देखें ये आपके पास बिल्कुल 180 के अंदर रहकर ये अभी काम कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको जो भी एंगल इधर डिफाइन करते हैं उस एंगल के ऊपर ये काम कर देता है। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने रफ लाइन एक ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, और ठीक है मैं इसको थोड़ा सा आगे तरफ ड्रॉ करना चाह रहा था, बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम चलते हैं एरे के अंदर, पोलर एरे पर आ जाते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना मस्ट होता है, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर देते हो, जैसे आप एंटर कर देते हो तो देखिए 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। देन आपको पोलर के अंदर जाने के बाद आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होता है, सेंटर मस्ट है। जब तक आप सेंटर नहीं दोगे तो आपका पोलर काम नहीं कर सकता। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर आ जाए, अब आप कोई भी सेंटर पॉइंट दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको ये क्लिक दे दिया। अब आप इसे प्रीव्यू करें, जैसे मैं इसको प्रीव्यू कर दूंगा, देखा डियर स्टूडेंट्स आपके पास यही लाइन जो है ये 4 मरतबा मूव होकर आके आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, वापस आप मॉडिफाइड की तरफ चले जाएं, और अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर ऑफ 6 कर देता हूँ और प्रीव्यू कर दूं तो देखें डियर स्टूडेंट्स अब मेरे पास ये 6 टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम ये मूव होकर आ चुका है। अगेन आप मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं, जब आपको एक्सेप्ट हो तो एक्सेप्ट कर डालें। लेकिन आप मॉडिफाइड कर रहे हो, आप इस कहते हो ठीक है लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है, आप इसे 180 तक लेकर जाना चाहते हैं। प्रीव्यू करें तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये 180 आ चुका है। इसी तरह से वापस आप मॉडिफाइड की तरफ चले जाएं, मैं इसको 360 लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये 360 आया हुआ है। लेकिन मैं इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर देता हूँ, मैं वापस सेंटर पॉइंट के अंदर गया, मैं बिल्कुल इसके साथ प्लस पे ले आता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, प्रीव्यू करें तो देखें अब ये आपके पास इसी जगह पर इसको 6 टाइम लाएगा, यानी कि जब आप सेंटर पॉइंट के ऊपर चले गए, आप जितना से दूर सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देते हो आप प्रीव्यू करोगे उतना ही दूर आपके पास ये शेप्स निकलकर आपके सामने निकलकर आ जाएंगी। वापस आप मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं, और आप यहाँ पे आने के बाद इस जगह पर आप 12 टाइप कर दें और प्रीव्यू दे दें यहाँ पे। जैसे मैंने इसको प्रीव्यू दे दिया तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास देखें अब ये 12 टाइम मूव होकर आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जब इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। मुझे बाद में याद आया यार ये सर्कल मुझे इनके इस जगह पर ये मुझको सर्कल ड्रॉ करना था, तो मैं ए आर एरे एंटर कर देता हूँ। या वापस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं जस्ट सर्कल को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
यहां पर मैं जो सेटिंग बना रहा हूं सिर्फ मैं सर्कल को क्लिक कर रहा हूं, एंटर मैंने किया, वापस आप पीछे आ गए हो, अगेन आपसे सेंटर पॉइंट दे दें तो पिक पॉइंट के ऊपर आ गया। अब आप, मैंने सुखा पिक पॉइंट आपका ये है, आप प्रीव्यू कर देते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स, देखें हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे पता चल गया, हमारा सेंटर पॉइंट लाइन के सेंटर पॉइंट और सर्कल के सेंटर पॉइंट के अंदर बिग डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था। तो जब भी आप ये काम करते हो तो आप अपने पास क्या कर लिया करें, अपने पास एक सेंटर पॉइंट बना लिया करें। जैसे देखिए ये मैं एक लाइन ले लेता हूँ, मैं इसका मिड जो होगा सबके ऊपर इसको अप्लाई करूंगा और यहाँ पे मैं इसे एरे कर देता हूँ। ए आर एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है और सेंटर पॉइंट में आ गया हूँ, मैं इसको ये मिड ले देता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू किया और इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब मेरे पास ये आ चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल बना डालू, ये अब मैं एरे ए आर एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट पर मैं आ गया, मैं इसको ये मिड वाला दे देता हूँ। अब प्रीव्यू करें तो देखा आपने, आपके पास ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू आधी कर दूं, अब इस ओके कर देता हूं, तो देखें ऑटोमेटिकली ये एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है, एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से एरे का यूज किया जाता है और ज्यादातर जो यूज किया जाता है एरे का एक सर्कल के अंदर होता है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बाहर की जानब और इधर और इस तरफ को ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं पकड़ कर खुद दाएं से थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ और इसको मिरर बना देता हूँ। मैंने ये लाइनें सेलेक्ट की हैं, एक पॉइंट इधर दूसरा इधर, मैंने इसको अपने पास ये शेप बना डाली इसे करें। अब मैं ए आर एरे एंटर कर देता हूँ कीबोर्ड से, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स मैं जस्ट इस शेप को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर, मैं सेंटर पॉइंट पे जाऊंगा, जैसे मैं ऊपर गया और ये मेरे पास प्लस बना हुआ आ गया, मैंने इसके अंदर मिड पे क्लिक कर दिया। मैं इसको कहता हूँ मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 24 की वैल्यू ले लेता हूँ, प्रीव्यू कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास ये बना हुआ आ गया मॉडिफाइड, मैं कहता हूँ नहीं 24 से कुछ कम कर दो, 18 की वैल्यू दे देता हूँ, तो ठीक है मुझे ये चाहिए, एक्सेप्ट कर दें। अब आप ट्रिम के ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको ट्रिम करते जाएं, तो देखें अब आपके पास एक बिल्कुल मैकेनिकल शेप बनी आ चुकी है आपके सामने। तो ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया, तो देखा डियर स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, आपके पास ये मैकेनिकली शेप बनी हुई बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है। अगेन आप क्या करें, एक सर्कल ले लें यहाँ पे, मैं जस्ट इसलिए उतार रहा हूँ, ये देखिए मेरी मैकेनिकल शेप कंप्लीट हो रही है। अगर आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालना चाह रहे हैं तो आप एक और सर्कल लें, एक लाइन ले लें, यानी कि जिधर जो जैसे भी आपकी मर्जी है शेप डालना। तो मैं इधर एक शेप डालना चाह रहा था, ए आर एरे के अंदर जाऊंगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, मैं इधर चला गया और मैंने इसको सेंटर ये दे दिया, 18 नहीं दूंगा, 9 की वैल्यू देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब आप प्रीव्यू करें तो एक्सेप्ट कर डालें। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, तो पोलर एरे कितनी तेजी से आपके पास आपका काम आपको करके दे रहा है। इसी तरह से अब अगर यहाँ पे मैं कोई डिजाइन शेप बना लेता हूँ, तो देखें मेरे पास ये सर्कल है, मैंने आर्क ले ली है, एंटर करने से आपके पास आर्क आती है, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर डालें आर्क के ऊपर, पिछले सेंस आप देखें। और अब मैं इसको मिरर कर देता हूँ क्योंकि मिरर मैंने आपको बता दिया है एम आई, देखें ये मिरर की ऑप्शन थी, मैं इधर गया, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ऊपर की जानब है, अगेन मैं एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, सेंटर पॉइंट मैंने दे दिया, ये मेरा मिड है, प्रीव्यू कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं इसे, मेरे पास ये कुछ शेप इस तरह की बन जाएगी। अब मेरे पास ये फूल बन चुके हैं, मैं इनके अंदर कोई कलर्स वगैरह देना चाह रहा हूँ, तो कलर देने के लिए आप ग्रेडियंट्स के अंदर जाएं, लेकिन यहाँ पे जो आपने ऑप्शन पिक करनी है, बेसिकली जो मेरा मकसद आपको यहाँ पे बताने का, वो एक स्पेशल ऑप्शन है, वो क्या है, पिक पॉइंट। आप पिक पॉइंट के ऊपर जाएंगे, आप सिर्फ वही पिक पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करें जहाँ पर आप वो कलर देना चाह रहे हो। तो मैंने ये कलर पॉइंट सिलेक्ट किए हैं और इधर जाने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैंने यही पॉइंट ले लिए हैं, मैंने फिर इसको 1 2 3 4, ठीक है, और मैं यहाँ से कोई कलर डिफरेंट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखा डियर स्टूडेंट्स वापस आप पिक पॉइंट की तरह चले जाएं, फिर मैंने 1 2 3 और 1 2 3 मैंने ये ले लिए हैं, मैं इधर चला गया हूँ और यहाँ पे मैं, तो देखा आपने हर टाइम पे आप पिक पॉइंट के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो, हर मरतबा आप कोई नए कलर अप्लाई कर सकते हो। तो देखा डियर स्टूडेंट्स हमने हर टाइम पे नए ऑप्शंस को के थ्रू इसके ऊपर नए कलर्स हमने अप्लाई कर कर आपको दे दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com।
जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, हमने आपके लिए AutoCAD की एक मुकम्मल वीडियो सीरीज रेडी की हुई है। यानी कि अगर आप यही जो आप यहाँ पे नेट्स पे आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको इनकी वीडियो सीडी चाहिए, यानी कि DVD अगर आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हमें हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर। इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर हाजिर होते हैं, तो उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।